फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर महिला सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से जूझ रही है, मतलब एक बार उसकी प्रेगनेंसी रही है, चाहे वो प्रेगनेंसी बच्चे में कन्वर्ट हुई हो या फिर उसका मिसकैरेज हो गया हो, बट वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी पर अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो क्या इसके पीछे पुरुष का भी कुछ रोल हो सकता है? क्या ये महिला को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है पुरुष में कुछ कमियां आने की वजह से भी हो सकती है? तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है कि सारा उसी का कसूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक महिला पहले कभी प्रेग्नेंट हुई है और अब उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब वो महिला कभी भी पहले प्रेग्नेंट हुई होती है, मतलब उसको कभी बच्चा रहा होता है, हो सकता है कि वो बच्चे का जन्म हुआ हो सकता है कि वो मिसकैरेज में लैंड अप हो गया हो, पर कभी भी अगर पहले प्रीवियस कोई प्रेग्नेंसी रही होती है तो फिर उस महिला को अब अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, नहीं रुक पा रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये महिला पहले तो प्रेग्नेंट हुई थी पर दोबारा नहीं हो पा रही है? तो जी हाँ, हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पुरुष के वजन बढ़ना। अगर पुरुष का वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो जैसे कि महिला के अंडों के ऊपर वजन का नेगेटिव इफेक्ट आता है, सेम तरह से पुरुष के स्पर्म के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है ओवरवेट का। तो अगर पुरुष का वेट सही नहीं है, वेट बहुत ज्यादा, पहली प्रेगनेंसी जब थी तब वजन ज्यादा नहीं था पर बाद में उसने बहुत गेन कर लिया है, तो उसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है और उसकी वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि जो मेल है उनकी एज ज्यादा हो, मतलब पहले जब प्रेगनेंसी थी तब उम्र कम थी और अब जब प्रेगनेंसी आई है तो फिर पुरुष की एज ज्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता, तो नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पुरुषों के भी स्पर्म्स पे इफेक्ट आता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, उनकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है, इवन उनमें जो मोटिलिटी होती है, मतलब उन्हें पहुंचना होता है एग तक फर्टिलाइज करने के लिए जिससे कि आगे प्रेगनेंसी हो सके, वो भी कम होती चली जाती है। और उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो भी होता है, मतलब जो अंदर का जेनेटिक मटीरियल है उसमें भी ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो अच्छी प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं अगर पुरुष की भी एज ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर पुरुषों में हार्मोनल चेंजेस आए हैं, पुरुषों के अंदर हो सकता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई हो, या पुरुष के अंदर जो उसका टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन है, उसका लेवल ठीक ना हो, उसका लेवल कम हो गया हो, उसका लेवल ठीक नहीं है तो सही तरह से जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से काम नहीं करेंगे, स्पर्म सही क्वालिटी के नहीं बनेंगे, ये एक इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि पुरुष के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया हो, उसका भी इफेक्ट होता है, शुगर हो, डायबिटीज हो, उस सभी चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्पर्म की क्वालिटी पे और वो अल्टीमेटली लीड करता है प्रेगनेंसी ना होने के ऊपर, जिसमें महिला का कोई कसूर नहीं होता और सारी चीज़ें किससे लिंक्ड अप है, पुरुषों से लिंक्ड अप है, लेकिन हम सारा ट्रीटमेंट किसका कराते रहते हैं, महिला का, हम चेक ही नहीं करते। हो सकता है कि जो चेंजेस आए हों पहली प्रेगनेंसी से इस वाली प्रेगनेंसी में, वो पुरुष के अंदर आए हों। इसके अलावा जो पुरुष बहुत ज़्यादा अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है कि आपकी बॉडी के ऊपर उन चीज़ों का इतना इफेक्ट नहीं आया हो जितना नेक्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में आ गया हो, और अब क्योंकि उनका इफेक्ट आ गया है तो स्पर्म की अच्छी क्वालिटी नहीं है तो वो प्रेगनेंसी नहीं रोक पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ना जिम वगैरह के लिए इंजेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उनमें भी देखा गया है कि वो उनके स्पर्म्स की क्वालिटी में भी बहुत चेंज होता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। एक और कॉज हो सकता है कि आपका पार्टनर चेंज हुआ हो, मतलब कि आपका हो सकता है कि कोई डाइवोर्स वगैरह करा हो और पहली प्रेगनेंसी वहाँ पर हो और जो नेक्स्ट पार्टनर है उसमें प्रॉब्लम हो और आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो नहीं, हो सकता है कि जो अब आपका पार्टनर है उसके अंदर कोई चेंजेस हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं
हमेशा महिला को नहीं ब्लेम करना है, हमेशा ये समझने की जरूरत है कि जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है, वो एक कपल का होता है, तो हेल्दी जो है दोनों को ही होना जरूरी है। हेल्दी एग का होना भी जरूरी है, हेल्दी स्पर्म का होना भी जरूरी है। दोनों चीजों की हेल्थ प्रॉपर होगी तभी जाके प्रेगनेंसी रुकेगी। तो आपको ये सोचना है कि क्या था जो पहली प्रेगनेंसी के टाइम था और अब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम नहीं है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। सो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज बनाने का। थैंक यू सो मच।